Hey guys, welcome back to another video on gaming. बाकी आपको ये वीडियो में CG versus Team Omega का वेलकम टू पिकालो की फाइट देखने को मिलने वाली है और ये आज का है. बाकी कल तो बहुत बार वेलकम टू पिकालो की फाइट हुई है CG versus Team Omega का. अगर आपने नहीं देखा है तो वेट कर लेना, ये वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा. बाकी CG ने 15 फिनिशेस भी निकाला है. पिकाडो के फाइट के बाद भी आगे फाइट होती है जहाँ पे CG ने 15 फिनिशेस निकाले है. काफ़ी मजा आएगा आपको ये मैच देख के. तो चलते हैं हम सीधा ये मैच की तरफ. कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी ही चलिए एम लेने की कोशिश की जरूर थी निंजा बॉय ने, बट इसी बीच हेक्टर को फायदा मिलेगा. ओमेगा के रूप में ओमेगा को डाउन किया गया है. निंजा बॉय नजर आते हुए स्पीरो, व्हाट इज गोइंग ऑन. ये एक एक्टिव फाइट जो एक्सपेक्टेड थी वो डिलीवरी मिलती हुई हमें यहाँ पे. देखिए पिछली बार तो जिंदा मशेटे भी हमें देखने को मिला था, बट इस बार क्या कुछ खास होगा. और कार्निवल गेमिंग ने शुरुआत में ही आते ही वो पहला नॉक निकाल दिया है. मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है टीम ओमेगा के लिए, बिकॉज ओमेगा को गवाना वो चाहते नहीं है. लेकिन ओमेगा अपनी टीम से थोड़ा सा दूर उतरे एक अच्छा बॉय, ही इज जस्ट वेटिंग देयर. वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई जाए ओमेगा के ऊपर रश करने की कोशिश करे, बट ओमेगा के ऊपर तो मोलोटोव्स आ रही है, नेड्स आ रहे हैं, बचना असंभव है. और हेक्टर जला के मारा है ओमेगा को, जला के राख कर दे. और यहाँ पे स्लग और निंजा बॉय दोनों खिलाड़ी क्रॉस फायर बना के बैठे हुए हैं. कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी आगे जाना चाहते हैं, बट दूसरे छोर पे फाइट होती हुई. लेकिन कार्निवल गेमिंग के नियो इस बार फायदा उठाएंगे. बीस्ट के रूप में गॉबलिन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, और इसी बीच गॉबलिन जंप शॉट देके स्लग को भी शट डाउन करेंगे. चारों खिलाड़ियों को एक एक फ्रैग मिलता हुआ वेलकम टू पिकाडो हो चुका है. इस जगह पे थर्ड पार्टी करने के लिए आई एट पेट फायदा उठाना चाहते हैं, बट उनके भी प्लेयर्स नॉक जरूर हुए हैं इस फाइट के अंदर. वहीं गॉब्लिन वो नहीं रुके हैं, राल्फी को उन्होंने डाउन किया है. ये अलग बैटल है, क्या चल रहा है वहां पे. इन्फर्नो को भी डाउन किया है गॉब्लिन. ये अंगारों के बीच में बर्फीला पानी है, बाकियों के तो किस्से हैं, इसकी पूरी कहानी है. गॉब्लिन अभी भी टिके हुए हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, और अपने बाकी तीनों साथियों को रिवाइव भी दिया, अपोनेंट्स को खत्म भी किया. दिस इज कार्निवल गेमिंग एंड दैट्स हाउ दे प्ले. 1v1 में हराने की जो फीलिंग होती है ना इनसेन, वो बहुत ही बढ़िया होती है जो एक्टोनॉक्स को यहां मिली. लेकिन निंजा जॉर्ज ने तो दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं. दो अच्छे फ्लैग निकाले, बट कार्निवल गेमिंग को देखिए 10 ऑलरेडी हो चुके हैं उनके पास. और सरकार गेमिंग का भी वेलकम टू पिकाडो कर दिया उन्होंने, एटलीस्ट दो प्लेयर्स का. अब बाकी प्लेयर्स जो आ चुके हैं पिकाडो के अंदर रहेगी. और ये देखिए उतर के एक और फ्रैग गॉब्लिन के खाते में, एक और प्लेयर को डाउन करते हुए. इस बार गुजरात टाइगर्स की है बारी. क्लच गॉड को शॉट देने की कोशिश, हेक्टर ने जेरेफ को डाउन किया, और गॉड्स भी डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं. गॉब्लिन क्या कमाल करते हुए गुजरात टाइगर्स के क्लच गॉड सामने की तरफ. लो एचपी पे हैं, हील तो कर लेंगे लेकिन अपनी टीम को इस वक्त बचा नहीं पाएंगे. कार्निवल गेमिंग के पास मौका एक और फ्रैग लेने का, एक और टीम को एलिमिनेट करने का, और ऊपर से कुछ और प्लेयर्स भी नजर आते हुए. Insane, insane, insane. The king is back. Goblin is back. क्या बढ़िया प्रदर्शन, क्या बढ़िया रिफ्लेक्सेस देखने को मिल रहे हैं उस प्लेयर की तरफ से. और अभी भी वो हारे नहीं है. हेक्टर एक और प्लेयर को डाउन किया, रश बॉय भी आप डाउन. कार्निवल गेमिंग एक तूफान की तरह इतनी देर तक उस शैक में बच पाएंगे, ये भी एक सवाल है. नेड हाथ में उनके जरूर है. कार्निवल गेमिंग हर प्लेयर ने योगदान दिया है, आप देखिए तो सही. नियो और जा सकते हैं, और देखिए जैसी मैंने और की बात की तो इस पावर एक और फ्रैग निकालते हुए नजर आ रहे हैं. पीपीसी को आगे बढ़ रहे हैं, 13 का आंकड़ा कंफर्मेशन चाहते हैं, और मुझे लगता है काफी हद तक वो कंफर्मेशन मिल भी जाएगा. रेक्स बॉय को बचाने के लिए कोई भी टीम का प्लेयर नहीं आने वाला इस वक्त. एश बेबी नीचे की तरफ, चलिए उनकी तरफ बढ़ तो रहे हैं. एंड देयर वी गो, एश बेबी का भी फ्रैग आ चुका है, 14 का आंकड़ा. ये टीम आज कितने फ्रैग लेके जाएगी. जेनेक्स एफएम का स्क्वाड कंपाउंड है उनके पास, और डेफिनेटली अब यहां पे एक अच्छा खासा चैलेंज होगा कार्निवल गेमिंग के लिए. लेकिन जेनेक्स एफएम भी वहां पे खिड़कियों के पीछे रुके हुए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग. उन्होंने कोई भी नेड से वहां पे नॉक दिया नहीं, वो होल्ड कर रहे हैं अपने कंपाउंड को. सामने प्लेयर है, बट ये नेड लगता है कि बाहर ही गिर गया. बट नियो को पोजीशन के बारे में पता तो चल ही चुका है. इस पावर अब जा रहे हैं और वो भी अपनी किस्मत आजमाएंगे. देखा चाचा परखा समझा, बट पीछे तो देखो इस पावर. विशु ने वहां पे करा है अपना कार्य, एक प्लेयर को करा है डाउन. बट नियो एक अलग एंगल उनके पास भी, ऊपर प्लेयर को स्पॉट किया, शॉट देने की कोशिश अभी भी वहां पे चलती हुई. रोक के रखा है कार्निवल गेमिंग को, हेक्टर को भी करा है डाउन. नियो अपनी टीम के एकमात्र आखिरी खिलाड़ी, बट ही टेक्स वन डाउन एंड दैट्स ऑल ही गोना गेट. चल नहीं रहा गेम्स,
दो फ्रैग्स मिले अपना बॉय को, देयर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। बट यहां पे पुकार को गवाना नहीं चाहिए था। बट ये क्या, एलजी को हम कह रहे थे कि आप इतना स्लो मत खेलिए, ये तो उनसे फाइट लेने चले गए जिन्होंने अब तक सबको रोक के रखा है और उनको रोक दिया। एलजी प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। हेक्टर द लास्ट मैन स्टैंडिंग स्प्रे किया, डिटो के ऊपर डैमेज बहुत दिया। हेक्टर को कप्तानी के साथ ये पारी सेवियर की रोल में भी खेलनी पड़ेगी। दैट नेड वाज गुड बट हेक्टर एचपी बहुत कम। हेक्टर कैन ही डू दिस? यस ही कैन डू दैट। निकलते नजर आएगी सामने वीएसटी का वो एक लौता खिलाड़ी फॉर्म एक्शन के साथ, ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है और क्या कमाल के इस ट्रैक में फंसाया। वो भी आगे बढ़ते हुए आ रहे, चलिए स्पॉट किया गया है। नियो स्प्रे करने की कोशिश करेंगे, डैमेज बहुत ज्यादा दिया था लेकिन अभी के लिए नियो अपना काम करते हुए। बट अब गॉब्लिन की बारी है, अब गॉब्लिन को अटैक करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एस पावर वाज ऑल सेट विद द ग्रेनेड, एक नहीं दो प्लेयर्स को डाउन किया है। टीम कार्निवल गेमिंग लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट एट द मोमेंट। आगे बढ़ रहे एस पावर, मौली है सामने की तरफ, प्लेयर को स्पॉट किया। गॉब्लिन के सामने से प्लेयर निकल के गए, शॉट देने का ट्राई किया जा रहा है। ये एक्टिव फाइट बनती हुई ऊपर की तरफ, पाशा आर्य के पास जो एडवांटेज था वो एडवांटेज हाथ से निकल चुका है। नियो फ्रॉम द अदर साइड बैक टू बैक शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वाइपर को पिन किया हुआ है उन्होंने। बट अभी के लिए एस्पावर का ये ग्रेनेड वाइपर की तरफ जाएगा, डैमेज जरूर देगा लेकिन अब भी वाइपर मौजूद, अब भी जीवित और वाइपर की पोजिशन। आगे बढ़ रहे हैं एस्पावर, गॉब्लिन भी आगे बढ़ रहे हैं सामने की तरफ प्लेयर और ऊपर की तरफ जो खिलाड़ी है वो होल्ड करता हुआ। चलिए इस बार गॉब्लिन और एस्पावर की जोड़ी आगे बढ़ेंगे, दे आर गोना स्पॉट द प्लेयर और वो लेके जाएंगे उसे अपने साथ। बटा बाकरी खिलाड़ी आ रहे के वाइपर, गॉब्लिन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वाइपर एक और प्लेयर को टेक डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हुए एस्पावर इज ऑल सेट एंड रेडी विद द S12K इन हैंड। टीम कार्निवल गेमिंग ये फाइट काफी सक्सेसफुली निकाली है अब तक, लेकिन एक आखिरी शेर सामने की तरफ है जो बहुत घायल है। एस पावर आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन नियो इज गोना बी द वन जो वाइप